हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था स्पर्मेटोजेनेसिस। आज का जो टॉपिक है हम लोगों को पढ़ना है ऊजेनेसिस। आज का जो टॉपिक है ना इसको हम लोग को आज का जो टॉपिक है ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस का मीनिंग क्या हो गया, सिंपल सा इसका डिफिनेशन हम लोग देते चलेंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा टोटल प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। ऊजेनेसिस ये क्या है, सिंथेसिस और फॉर्मेशन ऑफ एग इनसाइड ओवरी इज कॉल्ड एज ऊजेनेसिस। मतलब क्या है, सिंथेसिस और फॉर्मेशन ऑफ एग इनसाइड ओवरी इज कॉल्ड एज ऊजेनेसिस। मतलब ओवरी के अंदर एग बनने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऊजेनेसिस बोलते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं ओवरी आर कॉल्ड एज ऊजेनेसिस। देखिएगा ये ऊजेनेसिस का जो प्रोसेस है ना ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऊजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ ऊजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ ऊजेनेसिस इज डिसकंटिन्यूअस। ये द प्रोसेस ऑफ ऊजेनेसिस इज डिसकंटिन्यूअस। ये क्या होता है, एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। देखिए ये जो ऊजेनेसिस का प्रोसेस है ये फीमेल के अंदर होगा। थोड़ा सा हम लोग इसका ऊजेनेसिस का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं फिर प्रोसेस देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट किसके लिए, ऊजेनेसिस के लिए। देखिएगा इनकेस ऑफ फीमेल ऊजेनेसिस का प्रोसेस किसके अंदर होगा, फीमेल के अंदर होगा ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखिएगा मैं एक एक पॉइंट नोट करते रहा हूं। फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन केस ऑफ फीमेल फीटस। अगर मदर वूम्स के अंदर फीमेल फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या यहाँ पे क्या होगा, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन केस ऑफ फीमेल फीटस एट फर्स्ट मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ओवरी हैव 1700 प्राइमरी फॉलिकल सेल्स। देखिएगा यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि फीमेल के अंदर ऊजेनेसिस कैसे होता है और कैसे डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों है, मैं ये बता दूँ। तो ध्यान रखिएगा अगर मदर के यूट्रस में अगर फीमेल फीटस डेवलप कर रहा है, मेल फीटस नहीं, चूँकि ऊजेनेसिस किसके अंदर होगा, फीमेल के अंदर होगा, तो प्राइमरी फॉलिकल सेल का बनना जो होता है ना वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डेवलप होना शुरू हो जाता है फीमेल फीटस के ओवरी के अंदर। मतलब फर्स्ट मंथ का अगर फीमेल फीटस है तो उसके अंदर प्राइमरी फॉलिकल सेल का बनना स्टार्ट हो जाएगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के कंडीशन में ही। और क्या होगा, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन केस ऑफ फीमेल फीटस एट फर्स्ट मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फर्स्ट मंथ में ही क्या हो जाएगा, ओवरी हैव 1700 प्राइमरी फॉलिकल सेल्स। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा इस फीटस के अंदर डेवलपमेंट कंटिन्यू रहेगा, डेवलपमेंट क्या रहेगा इसके अंदर कंटिन्यू रहेगा।
तो जैसे सेकेंड मंथ आएगा, सेकेंड मंथ होगा, उसके बाद से आगे कंटिन्यू डेवलप रहेगा, सेकेंड मंथ, फिफ्थ मंथ, सेवेंथ मंथ, तो क्या क्या इसके अंदर कंडीशन होगा, जैसे बोले डेवलपमेंट कंटिन्यू एट सेकेंड मंथ, सेकेंड मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब सेकेंड मंथ आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, ओवरी हैव, ओवरी हैव 5 लाख और 6 लाख, 5 लाख ऐसे बोल सकते हैं, 5 लाख टू 6 लाख ऑफ प्राइमरी फॉलिकल सेल, प्राइमरी फॉलिकल सेल्स, देखिएगा कितना तेज डेवलप कर रहा है ये प्राइमरी फॉलिकल सेल्स, और क्या होगा इस प्राइमरी फॉलिकल सेल्स के अंदर, कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, और ये माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू एक सेल दो सेल को बनाएगा, दो सेल चार सेल को, मतलब ये वन सेल टू सेल को बनाएगा, टू सेल फोर सेल को, देन प्रोसेस कंटिन्यू। तो यहाँ पे देखें आपने सेकेंड मंथ में कितना बन गया प्राइमरी फॉलिकल सेल्स, 5 लाख टू 6 लाख, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, एवरेज वैल्यू है प्राइमरी फॉलिकल सेल्स किस मंथ में, सेकेंड मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट लेते हैं फिफ्थ मंथ, फिफ्थ मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फिफ्थ मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ओवरी हैव कितना हो जाएगा, 7 मिलियन ऑफ तो स्टूडेंट अभी मैं बता रहा था ये जो फिफ्थ मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा ओवरी के पास कितना रह जाएगा प्राइमरी फॉलिकल सेल, 7 मिलियन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल सेल, प्राइमरी फॉलिकल सेल्स। अब क्या होगा कि जैसे बर्थ होगा बेबी का एट द टाइम ऑफ बर्थ, अब देखिएगा क्या होगा, फिफ्थ मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में उस फीमेल फीटस के अंदर, बेबी के अंदर जो फीमेल फीटस है एम्ब्रियो के अंदर, उसके ओवरी में कितना फॉलिकल सेल है, 7 मिलियन ऑफ फॉलिकल सेल, मैक्सिमम फॉलिकल सेल अंडरगोज, मैक्सिमम फॉलिकल सेल सेल्स अंडरगोज एट्रिसिया, अंडरगोज एट्रिसिया, एट्रिसिया का मीनिंग होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलिकल सेल, एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलिकल सेल, फॉलिकल सेल्स बाय वॉल ऑफ ओवरी, वॉल ऑफ ओवरी। क्या होगा ना कि जो 7 मिलियन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल सेल है ना, इस प्राइमरी फॉलिकल सेल में मैक्सिमम जो फॉलिकल सेल है वो क्या हो जाएगा, एट्रिसिया के अंडर, एट्रिसिया इन द प्रोसेस ऑफ एट्रिसिया, एट्रिसिया का मीनिंग क्या होता है कि मैक्सिमम जो फॉलिकल सेल है ना वो ओवरी के वॉल से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब उस फीमेल फीटस का बर्थ होगा तो बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल सेल, प्राइमरी फॉलिकल सेल इज कितने, अबाउट 2 मिलियन, कितना रह जाएगा, 2 मिलियन रह जाएगा। फिर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जब वो फीमेल फीटस बर्थ के बाद क्या होगा, मैच्यूरेशन उसके अंदर होगा, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी के टाइम कितना फॉलिकल सेल रह जाएगा ओवरी के अंदर, ये देखिएगा, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, एक एक पॉइंट को आप लोग समझते चलिए, तो इस पॉइंट के बाद मैं कर दे रहा हूं, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, एट द
टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी के टाइम कितना प्राइमरी फॉलिकल सेल रह जाएगा? मैंने क्या बोला, अभी देखिए फिफ्थ मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कितना है, 7 मिलियन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल सेल। इसमें से कितना, लगभग 5 मिलियन प्राइमरी सेल जो फॉलिकल सेल है वो एब्जॉर्ब हो गया ना, तो 5 मिलियन एब्जॉर्ब हो गया। तो बर्थ के टाइम कितना रह गया, 2 मिलियन रह गया। कितना रह गया, 2 मिलियन। ये देखिए 2 मिलियन रह गया। अब इस 2 मिलियन में जब बर्थ मैच्योरिटी होता है, जो फीमेल फीटस है मैच्योर करती है, तो उसमें कितना प्राइमरी फॉलिकल सेल रह जाता है, प्राइम नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल सेल, प्राइमरी फॉलिकल सेल कितना रह जाता है, अबाउट 60,000 के, मतलब 1,000 to 80,000 इतना रह जाता है। इसमें से भी क्या होता है, ड्यूरिंग यूजेनेसिस, ड्यूरिंग एसेप्ट कर देंगे, ड्यूरिंग यूजेनेसिस, ड्यूरिंग यूजेनेसिस, यूजेनेसिस में क्या होता है, आउट ऑफ ओनली अबाउट, ऐसे लिख देंगे अबाउट 500 प्राइमरी फॉलिकल सेल्स लेफ्ट इनसाइड द ओवरी। अब इसमें से भी क्या होता है, आउट ऑफ 500 प्राइमरी फॉलिकल सेल ओनली वन, आउट ऑफ 500 प्राइमरी फॉलिकल सेल्स ओनली वन प्राइमरी फॉलिकल सेल्स टेक पार्ट प्राइमरी फॉलिकल सेल ऐसे बोलेंगे आउट ऑफ 500 प्राइमरी फॉलिकल सेल्स ओनली वन प्राइमरी फॉलिकल सेल टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ यूजेनेसिस एंड produces single egg by ovary, मतलब हर एक ओवरी से, ऐसे बोलेंगे, ऐसे एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, each ovary produces one egg in each month, हर एक मंथ में एक ओवरी जो होता है ना, एक एग को प्रोड्यूस करता है बाय द वन प्राइमरी फॉलिकल सेल। अब ये तो मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया यूजेनेसिस का, अब हम लोग देख लेते हैं टोटल प्रोसेस ऑफ यूजेनेसिस। तो यहाँ पे देखेंगे, या मैकेनिज्म ऑफ यूजेनेसिस ऐसे भी बोल सकते हैं, या प्रोसेस ऑफ यूजेनेसिस ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यूजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, देखिए इसको, यूजेनेसिस कंप्लीट्स इन 3 स्टेप और 3 फेजेज। तो यहां पे देखेंगे यूजेनेसिस, यहां पे हेडिंग कर दे रहे हैं मैकेनिज्म या प्रोसेस ऑफ यूजेनेसिस। यूजेनेसिस जो होता है ना, जस्ट लाइक टू द स्पर्मेटोजेनेसिस, मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस में बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है मेल के टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में 3 फेज में कंप्लीट होता है। एक को बोलते थे मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड को बोलते थे ग्रोथ फेज, और थर्ड को बोलते थे मैच्यूरेशन फेज। सेम वही प्रोसेस यहां पर भी होगा यूजेनेसिस में, देखिएगा 3 फेजेज
देर आर थ्री फेजेज ऑफ ऊजेनेसिस ऊजेनेसिस के कितने फेज होंगे? थ्री फेज। ऊजेनेसिस के कितने फेज होंगे? थ्री फेज, या ऐसे बोल सकते हैं देर आर थ्री फेज रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस के प्रोसेस में कितना फेज होगा? थ्री फेज, जिसमें फर्स्ट होगा, फर्स्ट ऐसे यहां पे कर दे रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन फेज। सेकेंड वाला जो फेज होगा उसको बोलेंगे हम लोग ग्रोथ फेज, और जो थर्ड वाला फेज है इसको बोलेंगे हम लोग मैच्यूरेशन फेज। क्या बोलेंगे इसको? मैच्यूरेशन फेज। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंडिकेट कर दूँ आप लोगों को कि जो मल्टीप्लीकेशन फेज होता है ना, ये इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है। क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है। ग्रोथ में क्या होता है? ओनली एक जो होता है ना साइज में इनलार्ज करता है, या जो फॉलिकल सेल साइज में इनलार्ज करता है, फॉलिकल सेल इंक्रीज इन देयर साइज, इसमें क्या होता है? ग्रोथ ऑफ फॉलिकल सेल, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल सेल। मैच्यूरेशन फेज में एक्चुअली क्या होता है? मियोसिस डिवीजन। क्या होता है इसके अंदर? मियोसिस डिवीजन होता है। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऊजेनेसिस का प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि एक देखिए हम यहाँ पे इसको ऐसे कर दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। सबसे पहले ऊजेनेसिस का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, वो एक प्राइमरी फॉलिकल से, जैसे ये जर्म सेल्स है, सपोज मान के चलिए कि ये जर्म सेल हो गया, फीमेल का ओवरी का ये जर्म सेल है, और इस जर्म सेल का एक सिंगल सेल इसे ये क्या बनाता है? प्राइमरी फॉलिकल सेल, प्राइमरी फॉलिकल सेल। और ये प्राइमरी फॉलिकल सेल्स अंडरगोज माइटोसिस डिवीजन। इसके अंदर जब माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन, तो ये एक सेल बनाता है माइटोसिस डिवीजन में। एक्चुअली दो सेल बनता है, लेकिन कंसीडर यहाँ पे सिंगल को ही करेगा, एक ही सेल को हम लोग कंसीडर करेंगे। एक सेल फिर ओवरी के अंदर ऐसे लेफ्ट रह जाता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, उसका कोई वर्क नहीं होता है। तो प्राइमरी फॉलिकल सेल में माइटोसिस डिवीजन होने से दो सेल बनेगा, ऐसे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, दो ही सेल बनेगा, लेकिन एक सेल जो रह जाए लेफ्ट इनसाइड द ओवरी, एक जो फॉलिकल सेल है ना, इस ये ओवरी के अंदर क्या रह जाता है? लेफ्ट रह जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे ये ऊगोनिया। क्या बोलेंगे इसको? ऊगोनिया, ध्यान रखिएगा, ऊगोनिया बोलेंगे। अब ऊगोनिया में यहाँ पे इंडिकेट कर दूँ, ये जो जर्म सेल्स है मैंने बताया ये जर्म सेल है, ये 2n होगा, ये भी डिप्लाइड होगा, माइटोसिस डिवीजन ऊगोनिया बन गया, ये भी 2n होगा। अब ये ऊगोनिया क्या होगा? ग्रोथ फेज में आएगा। ये माइटोसिस डिवीजन, इसी को मल्टीप्लीकेशन फेज बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन फेज। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीप्लीकेशन फेज बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है कि ये जो उगोनिया किससे बना? प्राइमरी फॉलिकल सेल्स के अंदर जब माइटोसिस डिवीजन हुआ, तो इस माइटोसिस डिवीजन से क्या बन गया? उगोनिया बना। ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अब ये ग्रोथ होगा, इसके अंदर क्या होगा? ग्रोथ फेज होगा। अब ग्रोथ फेज में क्या होता है? ग्रोथ ऑफ उगोनिया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ योक, ग्रोथ इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ योक। और इस योक बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वाइटेलोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? वाइटेलोजेनेसिस। एक योक क्या होता है? दैट आर येलो पार्ट ऑफ एग, एग के अंदर जो येलो पार्ट होता है ना, येलो पार्ट ऑफ एग, ये क्या होता है? न्यूट्रिशियस पार्ट होता है ना, जो डेवलपिंग ये
न्यूट्रिएसिस जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो जो योक होता है ना, ये न्यूट्रिशियस स्ट्रक्चर होता है, और एक योक बनने के कारण जो एक का साइज होता है वो बढ़ता जाता है। थोड़ा सा हम यहाँ पे एग्जांपल कर दें, यहाँ पे ग्रोथ फेज में क्या होता है, 200 टाइम्स इंक्रीजेज द साइज ऑफ ह्यूमन एग। ध्यान रखिएगा, इस वाइटोलोजेनेसिस के कारण, योक बनने के कारण जो ह्यूमन एग का जो साइज होता है ना, वो 200 टाइम्स क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब ये ग्रोथ फेज आया ना, तो इस ग्रोथ फेज होने से क्या हो गया, ये जो ऊगोनिया है उसका साइज क्या कर गया, और बढ़ गया। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, ऊप्लाज्म है, इसको ऐसे दिखा देंगे। अब इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे इसको, स्पर्मेटोसाइट का तो यहाँ पे नाम ही नहीं लेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे प्राइमरी ऊसाइट। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी ऊसाइट, इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी ऊसाइट। और ये क्या होगा, ये भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। स्टूडेंट्स, तो मैं अभी बता रहा था यहाँ पे कि ये जो ऊगोनिया है, ग्रोथ फेज के अकॉर्डेंस क्या बनाएगा, जो सेल के अंदर ग्रोथ होगा उसको बोलेंगे प्राइमरी ऊसाइट। अब क्या होगा, इस प्राइमरी ऊसाइट के अंदर अब यहाँ से होगा मियोसिस वन, मियोसिस फर्स्ट, और इसी को बोलेंगे हम लोग मैचुरेशन फेज। क्या बोलेंगे इसको, मैचुरेशन फेज। तो इसमें क्या होगा कि दो स्ट्रक्चर बनेगा, एक सेल थोड़ा साइज बड़ा होगा और एक का थोड़ा छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, बाय अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी ऊसाइट के अंदर जब मियोसिस फर्स्ट होता है ना, इससे जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी ऊसाइट। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी ऊसाइट। अब इस सेकेंडरी ऊसाइट के अंदर फिर मियोसिस टू होता है। क्या होता है, मियोसिस टू होता है, और मियोसिस टू होने से क्या होता है, यहां पर फिर दो ठो सेल बनेगा, एक सेल बड़ा बनेगा और एक छोटा बनेगा। तो ये देखिए, ध्यान रखिएगा, यहां पे मैं क्या बताया, प्राइमरी ऊसाइट के अंदर जब मियोसिस फर्स्ट हुआ ना, तो यहां पे सेकेंडरी ऊसाइट बना और ये छोटा स्ट्रक्चर बोलता है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बोलते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये डिजेनरेट कर जाता है, डिजेनरेटेड आउट। फिर इस तरह से ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है, इसके अंदर जब मियोसिस टू होता है, क्या होता है, मियोसिस टू, और मियोसिस टू होने से दो सेल बन गया, और इसी को बोलते हैं ऊटिड। क्या बोलते हैं, ऊटिड, और या इसी को एग बोलते हैं, या इसी को ओवम बोलते हैं। और ये जो छोटा स्ट्रक्चर बन गया, इसको बोलते हैं सेकेंड पोलर बॉडी। और ये जो सेकेंड पोलर बॉडी है ना, ये भी डिजेनरेट आउट कर जाता है, डिजेनरेटेड आउट। ये भी क्या कर जाता है, डिजेनरेट आउट कर जाता है, और एक फंक्शनल यहाँ पे क्या बन गया, ओवम बन गया। यहाँ पे देखिएगा, जो मियोसिस फर्स्ट है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्यों, यहाँ पे स्पर्मेटोसाइट, यहाँ पे जो प्राइमरी ऊसाइट है ये डिप्लॉयड है, और जैसे डिप्लॉयड से मियोसिस फर्स्ट हुआ, इस डिप्लॉयड सेल मतलब प्राइमरी ऊसाइट के अंदर क्या हो गया, मियोसिस फर्स्ट हुआ, और यहाँ पे एन स्ट्रक्चर और ये एन हैप्लॉयड बन गया। तो ये हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बन गया, कैसा बन गया, हैप्लॉयड बन गया। और ये हैप्लॉयड के अंदर जब ये हैप्लॉयड जो स्ट्रक्चर बना ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ऊसाइट, और सेकेंडरी ऊसाइट के अंदर जब मियोसिस टू हुआ, तो फिर हैप्लॉयड, ये भी एन और ये भी एन, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बन गया। ये भी क्या बन गया, हैप्लॉयड। तो ध्यान रखिएगा, हैप्लॉयड से हैप्लॉयड बन रहा है, मियोसिस टू हो रहा है, इसलिए मियोसिस टू को हम लोग और क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। मियोसिस टू को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस मैंने बताया, वो
यूजेनेसिस का मैंने आप लोगों को प्रोसेस बताया। यहाँ पे थोड़ा नोट करके मैं पॉइंट लिख देता हूँ, या देख लीजिएगा, जो मियोसिस फर्स्ट होता है ना, ये अरेस्टेड, जो मियोसिस फर्स्ट होता है वो अरेस्टेड कर जाता है, मतलब एक्चुअली स्टार्ट करता है अरेस्टेड मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट अरेस्टेड एट द एट डिप्लोटीन स्टेज, ऐसे लिखेंगे एट डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट, मतलब मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट होता है और इस प्रोफेज फर्स्ट का जो डिप्लोटीन स्टेज होता है, इस स्टेज में मियोसिस फर्स्ट क्या कर जाता है, अरेस्टेड, वो अरेस्ट हो जाता है। सेकेंड नोट ये है, नोट कि जो मियोसिस टू है स्टार्ट्स आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म और ट्रिगर्ड बाय द एंट्री ऑफ स्पर्म। मियोसिस टू स्टार्ट्स आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म और टचेज या बोल सकते हैं स्पर्म टचेज द एग, स्पर्म टचेज द सेकेंडरी ओसाइट, ऐसे बोल देंगे सेकेंडरी ओसाइट, और जैसे सेकेंडरी ओसाइट को टच करेगा स्पर्म तो सेकेंडरी ओसाइट से क्या रिलीज होगा, एग रिलीज होगा। एक तभी रिलीज होगा, सेकेंडरी ओसाइट से एक तभी रिलीज होगा जब स्पर्म सेकेंडरी ओसाइट को टच करेगा, कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। जब तक स्पर्म फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर जा करके सेकेंडरी ओसाइट को टच नहीं करेगा तब तक सेकेंडरी ओसाइट से एग नहीं रिलीज होगा। तो ये मैंने प्रोसेस दिखाया ओजेनेसिस का। अब थोड़ा हम लोग को यहाँ पे समझना है स्ट्रक्चर ऑफ एग, मतलब एक्चुअली ह्यूमन एग, ह्यूमन एग का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ह्यूमन एग का स्ट्रक्चर हम लोग को देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग कैसा होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये थोड़ा हम लोग को देखना है। अगर ये प्रोसेस देखिए ओजेनेसिस में अगर थोड़ा भी आप लोग को डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा, तो मैं फिर से आप लोगों को बता दूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग को देखना है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग, तो देखेंगे ह्यूमन एग का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका मैं कुछ पॉइंट नोट कर दे रहा हूं, ओवल स्ट्रक्चर होगा, ओवल और राउंडेड बोल सकते हैं, राउंडेड एंड 0.1 mm इन साइज, साइज कितना होगा इसका 0.1 mm, मिलीमीटर में होगा। यहां पे देखेंगे नेचर कैसा होता है इसका, या प्रॉपर्टीज बोल दें, प्रॉपर्टीज और नेचर, नेचर ऑफ ह्यूमन एग, ऑलरेडी ह्यूमन एग तो लिखा ही है, प्रॉपर्टीज, जो ह्यूमन एग होता है ना उसको बोलते हैं माइक्रोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल एग। अब माइक्रोलेसिथल का मतलब क्या हो गया, वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ योक, एग हैव वेरी 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 लेस अमाउंट ऑफ योक, ऑफ योक मतलब जिस एग के पास बहुत कम अमाउंट में योक होगा उसको हम लोग माइक्रोलेसिथल बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, एक और प्रॉपर्टीज कि ये होमोलेसिथल होगा और आइसोलेसिथल होगा, होमोलेसिथल और आइसोलेसिथल होगा। तो होमो और आइसोलेसिथल का मतलब क्या हो गया, योक डिस्ट्रीब्यूटेड
इन ऑल पार्ट ऑफ एग, ये क्या होगा, योग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइड द ऊप्लाज्म और साइटोप्लाज्म ऑफ एग, योग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइड ऊप्लाज्म और साइटोप्लाज्म ऑफ एग, ठीक है। ये तो एग के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज, एक्चुअली मेम्ब्रेन ऑफ एग, कितना मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन ऑफ एग, एग के कितने मेम्ब्रेन होते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं, प्राइमरी मेम्ब्रेन और प्राइमरी मेम्ब्रेन को, एक्चुअली प्राइमरी मेम्ब्रेन में कौन सा मेम्ब्रेन आता है, यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगा वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, सिक्रीटेड बाय प्राइमरी फॉलिकल सेल, ये जो मेम्ब्रेन होता है ना, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन जो होता है वो जो फॉलिकल सेल्स है उसी के सिक्रीशन से बना होता है, ये सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल सेल, एक्चुअली ये एग्जांपल हो गया प्राइमरी मेम्ब्रेन में। सेकेंडरी मेम्ब्रेन में कौन कौन सा जाएगा, सेकेंड ले लेता हूँ, सेकेंडरी मेम्ब्रेन, तो देखिएगा सेकेंडरी मेम्ब्रेन में कौन कौन सा आ जाएगा, सेकेंडरी मेम्ब्रेन में फर्स्ट इसमें आ जाएगा जोना पेलुसिडा, फर्स्ट आ जाएगा जोना पेलुसिडा। ये क्या होता है, ए सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, ए सेलुलर स्ट्रक्चर, और ये थोड़ा सा मैं सिक्रीशन ऑफ या फॉलिकल सेल नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा इसको करेक्शन ले कर लीजिए, सेल ऑफ एग, तो जो एग का सेल होता है ना उसके मतलब सिक्रीशन ऑफ सेल्स ऑफ एग, एग का जो सेल होता है ना वो सिक्रीट करता है किसको, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन को सिक्रीट करता है। सेकेंडरी मेम्ब्रेन में आ जाएगा जोना पेलुसिडा एंड सेकेंड आ जाएगा कोरोना रेडिएटा। थोड़ा यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गया, कोरोना रेडिएटा, तो यहाँ पे कोरोना रेडिएटा कोरोना नेम है, ये कोरोना बीमारी मत डिजीज मत समझिएगा, कोरोना वायरस नहीं समझिए आप लोग, ये कोरोना रेडिएटा लेयर का नाम है, कोरोना रेडिएटा एंड दिस टू लेयर्स आर फॉर्म बाय द ये सिक्रीशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल सेल्स, ये दोनों क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल सेल, ये फॉलिकल सेल्स का सिक्रीशन होता है। थर्ड मेम्ब्रेन में क्या आ जाएगा, लास्ट देख लीजिए, थर्ड ले रहे हैं टर्शियरी मेम्ब्रेन, तो टर्शियरी मेम्ब्रेन में क्या आ जाएगा, एग सेल, ये टर्शियरी मेम्ब्रेन में एग्जांपल ले लीजिए सेल ऑफ एग, ये सेल क्या होता है, आउटर हार्ड कवरिंग, जनरली मेड अप ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्सीफाइड सेल्स होता है, हार्ड लेयर, जैसे हेन का एग हो गया, जनरली बर्ड्स के ऊपर, जो टर्शियरी मेम्ब्रेन एग्जांपल किसके अंदर होगा, एग्स ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, तो बर्ड और रेप्टाइल्स के एक के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है ना उसको टर्शियरी मेम्ब्रेन बोलते हैं। हम लोग को ह्यूमन के कंसेप्ट में, हम लोग चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन एक के ऊपर सेल नहीं होता है, ह्यूमन एक के ऊपर दो ही मेम्ब्रेन आप लोग पढ़िएगा,
प्राइमरी मेम्ब्रेन और सेकेंडरी मेम्ब्रेन। टर्सरी मेम्ब्रेन जो होता है वो बर्ड्स और रेप्टाइल्स के एक के ऊपर होता है, हार्ट जो कवरिंग होता है। अब हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक का, तो देखिएगा ये जो स्ट्रक्चर जनरली राउंडेड और ओवल शेप स्ट्रक्चर, राउंडेड और ओवल शेप स्ट्रक्चर, और ये देखिएगा इसमें क्या होता है कि इसके पेरीफेरी, ये क्या हो गया जो फर्स्ट मेम्ब्रेन हो गया, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वाइट लाइन मेम्ब्रेन बोलेंगे, और इसके किनारे किनारे पेरीफेरल रीजन में ये साइटोप्लाज्म जो होता है पेरीफेरल रीजन में एक का, इसको हम लोग बोलते हैं एग कॉर्टेक्स और एक्सोप्लाज्म। जो पेरीफेरल रीजन में एक का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा से यहाँ से समझिए, जनरली ओवल और राउंडेड स्ट्रक्चर है। जो ये पेरीफेरल पार्ट में मैंने दिखाया है इसका नेम है एक्सोप्लाज्म और एग कॉर्टेक्स। तो थोड़ा लेबलिंग करते चलेंगे, इसका नेम क्या हो गया एग कॉर्टेक्स, और इसी को बोलते हैं क्या हम लोग एक्सोप्लाज्म, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, एक और लेयर होता है, इसके चारों तरफ एक और लेयर हो गया सेल का, ये जो लेयर होता है ना ये सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर सेल्स एब्सेंट होता है, कोई सेल्स इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होता है, ए सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, और इसी लेयर को बोलते हैं हम लोग जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। और ये जोना पेलुसिडा क्या है, दैट इज द ए सेलुलर स्ट्रक्चर, ए सेलुलर स्ट्रक्चर, जोना पेलुसिडा क्या हो गया ए सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके ऊपर ध्यान रखिए, इसके बाहर एक सेल का मेम्ब्रेन होता है, सबसे बाहर में एक सेल का मेम्ब्रेन होता है, और इस मेम्ब्रेन को हम लोग ऐसे भी एक्चुअली रेडियली अरेंज्ड होता है, आउटर जो मेम्ब्रेन होता है ना ऐसे नहीं, ये रेडियली अरेंज होता है, ऐसे ऐसे रेडियली अरेंज होगा, जोना पेलुसिडा के बाद ऐसे रेडियली अरेंज होगा पूरे एक पे, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स रेडियली अरेंज्ड, ऐसे पूरा एग पे रेडियली अरेंज्ड होगा, ऐसे पूरा एग को ये कवर किया रहेगा, पूरा एग पे होगा, चारों तरफ से होगा, पूरा एक पे होगा रेडियली अरेंज्ड। और इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कोरोना रेडिएटा, यही वाला कौन सा है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर जो एक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ध्यान रखिएगा सबसे बीच में जो साइटोप्लाज्म होता है सबसे अंदर में, इसको बोलते हैं हम लोग ऊ प्लाज्म, ऊ प्लाज्म। और इसमें क्या होता है, एक का जो न्यूक्लियस होता है ना वो एक किनारे में प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस यहाँ पे एक किनारे में प्रेजेंट होता है, एक का जो ह्यूमन एग के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो किनारे में होता है, एक्सेंट्रिक होता है, और इसको इस एग को एक्चुअली न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं जर्मिनल वेसाइकल, क्या बोलते हैं जर्मिनल वेसाइकल। ध्यान रखिएगा एग का जिस साइड में, एग के जिस साइड में एग प्रेजेंट होता है ना उस साइड को हम लोग बोलते हैं एनिमल पोल, मतलब ये वाला हो जाएगा क्या एनिमल पोल, मतलब एग के जिस साइड में, जिस साइड में क्या होगा न्यूक्लियस, एक के जिस साइड से न्यूक्लियस ज्यादा नजदीक होगा ना उस साइड को हम लोग बोलेंगे एनिमल पोल, और उसके अपोजिट वाले को हम लोग बोलेंगे वेजिटल पोल, क्या बोलेंगे वेजिटल पोल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पर्म ऑलवेज इंटर्स इनसाइड एग थ्रू द एनिमल पोल, थोड़ा सा एक पॉइंट मेरे को यहां पर मेंशन करना है, एग ऑलवेज
यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं, यहां पे एक स्पर्म, स्पर्म ऑलवेज एंटर्स इनसाइड द एग थ्रू द एनिमल पोल, एनिमल पोल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे देखेंगे कि स्पर्म का एंट्री जो होता है ना वो एनिमल पोल से होता है, वेजिटल पोल से नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो ये रहा यूजेनेसिस। यूजेनेसिस के बाद मैंने क्या दिखाया, स्ट्रक्चर ऑफ एग दिखा दिया। अब हम लोग को इसके बाद जो टॉपिक पढ़ना है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए मेरा इतना ही रहा, थैंक यू।